नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू अंडरस्टैंड टू वेरी बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियोज। दोस्तों आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि किसी तरफ के रिजर्व्स हैं, राइट? तो दोस्तों आज हम इसको एक स्टोरी लाइन के लेके चलेंगे और इसको देखेंगे कि ये रिजर्व रेशियोज क्यों बनाए गए, ये रिजर्व रेशियोज कैसे बनाए गए, इन रिजर्व रेशियोज को किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कि हम देखेंगे नेट डिमांड, टाइम लायबिलिटीज, देन वी विल लुक कि अगर ये रिजर्व रेशियोज मेंटेन करवाने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन है, और अगर इन रिजर्व रेशियोज को फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या होता है। देन वी विल लुक अबाउट द एडवांटेजेस और व्हाई सीआरआर एंड एसएलआर आर इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो व्हाई दे आर मेंटेन्ड। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, एक स्टोरी लाइन बनाते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से। आई होप जो इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है अबाउट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आपने वो देख लिया होगा, इफ नॉट प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन वेयर यू विल फाइंड द लिंक ऑफ दिस इंडिविजुअल वीडियो वेयर वी हैव एलैबोरेटली डिस्कस अबाउट व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज डिफ्लेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो देखने के बाद कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होते हैं। अब दोस्तों इन्फ्लेशन भी होता है, कभी कभी डिफ्लेशन भी होता है इकोनॉमी में, क्योंकि ऑल्सो वी हैव डिस्कस वन मोर वीडियो जिसमें आपको और इजीली समझ में आएगा अगर आप ये वीडियो देखेंगे कि रिसेशन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है एंड डिप्रेशन क्या होता है। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स, राइट? तो चलिए, इन्फ्लेशन भी होता है दोस्तों, डिफ्लेशन भी आता है इकोनॉमिक्स में, हम जानते हैं। अब दोस्तों इन दोनों को कर्व करने के लिए मेजर्स होना जरूरी है ऑन द साइड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि अब दोस्त इन्फ्लेशन है, मतलब क्या मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, पैसा ज्यादा हो गया है, अब इसको खींचना पड़ेगा, मतलब कि टाइट मनी पॉलिसी लाना पड़ेगी, डियर मनी पॉलिसी। वहीं अगर डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन से तो इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, पैसा नीचे देना पड़ेगा, ट्रिकल डाउन करना पड़ेगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद द मेंटेनेंस ऑफ इन्फ्लेशन। तो दोस्तों ये काम दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि अगर मुझे ये काम करना है और इसको कर्व करना है या इसको मेंटेन करना है तो मैं क्या करूं, तो दे थॉट कि कुछ रिजर्व रेशियोज बनाते हैं। क्योंकि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देती है बैंक्स को, ठीक है, ये बैंक्स वो पैसा लेके जिसका कि वो ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, विच वी कॉल द रेपो रेट्स। तो इस तरीके से बैंक फिर लेंड करता है नीचे कस्टमर्स को। तो अब इन्होंने सोचा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि अगर बैंक्स के पास ही पैसा कम हो गया तो ये लैंड आउट ही कैसे करेंगे, राइट? इसीलिए इन्होंने सोचा कि बैंक से हम कुछ रिजर्व रखवा लेते हैं ताकि ये एक सेफ्टी नेट के थ्रू जैसा भी काम करेगा। सेफ्टी नेट कैसे, कि अगर मान लो बैंक्स फेल होती हैं, बैंक्स किसी भी तरीके से नुकसान में जाती हैं, तो जो लोग हैं उनको नुकसान न हो, इसीलिए उन्होंने कुछ रिजर्व रेशियोज बनाए दो तरीके के। उन्होंने नाम दिया एक को कैश रिजर्व रेशियो, नाम समझ में आ रहा है, ये रिजर्व जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, ऑब्वियसली कैश के, तभी तो कैश रिजर्व रेशियो बोल रहे हैं। उसी के बाद में दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहां पे किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विडिटी मतलब लिक्विड असेट्स के फॉर्म में, देखेंगे हम लिक्विड असेट्स क्या होते हैं। तो ये हमने मेंटेन करने की बात कही, मतलब ये पैसा किससे ले रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक से, राइट? अब दोस्तों बात ये है, अब दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि आपने रिजर्व रेशियोज बनाए, रिजर्व रखवाओगे, मगर रिजर्व में कितना पैसा रखवाओगे और ये जो पैसा रखवाओगे आप वो किसके बेसिस पे रखवाओगे। तो यहां पे एक चीज और निकल के आती है जिसको हम पढ़ेंगे नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या होती है ये समझने की जरूरत है। मान लीजिए ये एक बैंक है, इस बैंक में किसी भी हाउस होल्ड ने या किसी भी कॉर्पोरेट हाउस ने, बिजनेस फर्म्स ने, जिसने भी अपना पैसा डाला है, इस पूरे पैसे को बैंक के पास जो है इन डिपॉजिटर्स का, इसको हम बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। आप बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि इसमें फिर डिफरेंशिएट होता है, कुछ होती है डिमांड लायबिलिटीज, कुछ होती है टाइम लायबिलिटीज, मगर यहां पे हमें समझने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिटर्स का टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है जो कि उसको कभी भी देना पड़ सकता है, उसको हम बोलेंगे नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों, क्योंकि ये इसकी
जिम्मेदारी है देना वापस। तो ये देख लिया हमने। अब इस बेसिस पे दोस्तों डिसाइड किया गया कि जितनी भी नेट डिमांड लायबिलिटी होगी बैंक्स की, उसके बिहाफ पे परसेंटेज पे सीआरआर और एसएलआर को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, फॉर सपोज जैसे सीआरआर है, हमने ये मान लिया कि 4% एनडीटीएल का सीआरआर में आपको कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। वहीं मान लीजिए 20% आपने रख दिया एसएलआर में, कि 20% एनडीटीएल का रखना पड़ेगा आपको एसएलआर में। अब देखिए यहां पे डिफरेंस क्या है। यहां पे हमने लिक्विड असेट्स जो छोड़ा था, लिक्विड असेट्स किसको बोलते हैं, या तो कैश या गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन तीन फॉर्म में आप यहां पे रख सकते हो, मगर यहां पे सिर्फ कैश में रखना पड़ेगा। राइट, अब सीआरआर हमने जैसे देखा कि 4%, एसएलआर 20%, किसका परसेंट, एनडीटीएल का, जो लायबिलिटी है पूरी बैंक की। राइट, अब देखिए सीआरआर और एसएलआर में क्या फर्क होता है। देखिए अदर अपार्ट फ्रॉम कैश एंड लिक्विडिटी असेट्स, सीआरआर जो होता है दोस्तों वो होता है फ्लो ऑफ मनी मेंटेन करने के लिए, वहीं एसएलआर जो होता है वो होता है सॉल्वेंसी बनाने रखने के लिए बैंक्स की। सॉल्वेंसी मतलब पेइंग कैपेसिटी, जो डेट उनके पास है, जो लायबिलिटी है वो दे पाए, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये रिजर्व रेशियोज बनाए ही क्यों गए, एक सेफ्टी नेट के थ्रू जैसे काम कर रहे हैं, जिससे कि आरबीआई कंट्रोल भी कर पा रही है इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन को। राइट, मतलब कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसको कंट्रोल कर पा रही है, कि पैसा ज्यादा करना है कि मार्केट में कम करना है, और इस तरह से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट की भी बात चलती है, कि इंटरेस्ट पेमेंट किस पे मिलता है, कैश, जो इस कैश रिजर्व रेशियो है यहां पे आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलता है, वहीं एसएलआर में कुछ इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई फैक्चुअल बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि व्हाट इफ दे डोंट कीप दीज रिजर्व्स। जैसा कि हमने बात करी सीआरआर और एसएलआर रखना तो जरूरी है, बट इन केस अगर नहीं रख पाई कोई बैंक, या उनकी कोई भी मजबूरी रही, उनका लॉस हो गया, जो भी हुआ, तो इन पे दोस्तों लगती है फिर पेनल्टी। अब ये पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होती है, ये पेनल्टी कैलकुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ बैंक रेट। देखिए फॉर एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यू डोंट नीड टू नो अबाउट हाउ दिस पेनल्टी विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बैंक रेट, मगर हमको ये पता होना चाहिए कि पेनल्टी लगती है विद द हेल्प ऑफ बैंक रेट। क्यों? क्योंकि इसीलिए ये बैंक रेट का सिग्निफिकेंस आता है रेपो रेट होने के बाद में भी। हमारे पास रेपो रेट है, जनरली क्वेश्चन करते हैं लोग कि रेपो रेट है, उसके बाद की बैंक रेट की क्या जरूरत है, तो यहां पे बैंक रेट का सिग्निफिकेंस आता है। हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे कि रेपो रेट और बैंक रेट को भी पढ़ेंगे बहुत इलेबोरेटली। तो हमने ये देखा कि अगर आप रिजर्व नहीं रखोगे तो क्या होगा। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो एनडीटीएल है, जिसकी हमने यहां पे बात करी कि दोस्त नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो होगी आपकी, अब इससे आप सीआरआर और एसएलआर के परसेंटेज तो हम समझ गए, मगर ये एनडीटीएल कब का देखोगे, मतलब आज का देखोगे, एक साल में किसी एक दिन का देखोगे, ये कब का देखोगे आप। तो दोस्तों ये ऐसा डिसाइड किया गया कि 2 हफ्ते पहले का जो लास्ट फ्राइडे होगा, लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रिसीडिंग फोर्टनाइट, 2 हफ्ते पहले का जो लास्ट फ्राइडे होगा उसको आप आज की एनडीटीएल मान लोगे, और उस हिसाब से आपको अपने सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे, अगर क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं तो कैसे मैनेज होता है। चलते हैं हम, व्हाई सीआरआर एंड एसएलआर इज रिक्वायर्ड। सबसे पहला पॉइंट, एंश्योर लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स। वी हैड ऑलरेडी लुक कि फ्लो ऑफ मनी सॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स को एसएलआर बना रहा है, राइट, लिक्विडिटी, और ये देख लिया हमने पॉइंट। सेकंड, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, दिस आल्सो वी हैव लुक्ड, कैसे, क्योंकि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पा रहा है ना आरबीआई, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा, राइट। उसी के बाद में रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, दोस्त इन्फ्लेशन कम करना या ज्यादा करना एक रेंज में रखना पड़ता है, राइट, वो रेंज फिक्स है, जैसे कि हमको 2% से 6% पे रखना होता है अपनी ग्रोथ के लिए, और इन्फ्लेशन भी बराबर रहे और इससे ग्रोथ हैम्पर ना हो, तो एक रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं हम इसको रख के, इसको चेंज करके। वहीं एडिक्वेट एक्सपांशन इन क्रेडिट टू असिस्ट ग्रोथ, मान लीजिए कि ग्रोथ कभी कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट दे के असिस्ट कर पाते हैं, राइट, कि जैसे मान लीजिए अगर ग्रोथ कम हो गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ग्रोथ कम हो गई और अगर पैसा पंप आउट करना इकोनॉमी में, तो क्या करेंगे,
सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाएंगे या कम कर देंगे? ऑब्वियसली कम कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये कम हुआ, इसका मतलब कि अब बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा लैंड आउट करने के लिए, और पैसा ज्यादा लैंड आउट करेगी बैंक क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है. वहीं अगर आपने इनको बढ़ा दिया, मतलब आरबीआई ने ज्यादा पैसा खींच लिया बैंक से, मतलब नाउ बैंक्स हैव लेस मनी टू लैंड आउट टू द कस्टमर्स. तो अब क्या होगा कि देखिए, अब क्या होगा कि बैंक्स के पास अगर पैसा कम है, राइट, तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट लेती हैं अपने कस्टमर्स से वो बढ़ा देंगी. और जैसे ही आपने, आई होप आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपने बैंक्स का वापस लेते हैं, बैंक्स में पैसे कम हुए क्योंकि आपने सीआरआर और एसएलआर बढ़ा दिया, तो बैंक्स के पास पैसे कम बचे. अब बैंक्स के पास पैसे कम बचे तो जो वो इंटरेस्ट पेमेंट लेती है अपने कस्टमर से लोन देने के बाद, क्योंकि वो तो प्रॉफिट मेक करेगी अभी भी, वो बढ़ा देगी. अब जैसे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा तो कस्टमर्स क्या करेंगे, लोन कम लेना शुरू कर देंगे. तो ये लोन जो है ये कम हो गया और ओवरऑल इन्होंने एक चीज कंट्रोल कर ली, ठीक है. वहीं अगर बढ़ाना हुआ तो क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे और ये उल्टी प्रोसेस चालू हो जाएगी. तो आई होप कि आपको सीआरआर एसएलआर की हर निटी-ग्रिटी समझ में आई होगी. और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम रोज ऐसे वीडियोस डालते हैं. एंड इन द एंड, कीप शाइनिंग एंड हैव अ गुड डे. डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट एनी नेक्स्ट वीडियो व्हिच यू वांट टू हियर फ्रॉम मी. थैंक यू फॉर हियरिंग मी.